तो सुनील मान साहब की तस्वीर क्यों लगाते हैं? तो यार मैं इसलिए लगाता हूँ कि यार मैं उनका फैन हूँ यार। इस वायरल कर दोगे, चलो उन तक पहुँच जाएगी और शायद हम उनके पास जाएं और अपनी गाड़ी का रिव्यू दें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर डे, वेलकम बैक टू अनदर खच प्रोग्राम। अस्तगफुरुल्लाह। तो गाइस आज चादर देख रहे हो ना, अगर ये आपके पास ना हुई तो मैंने आपको इतना चाटे मारूंगा, इतने चाटे मारूंगा, चाटे मारूंगा, इतने चाटे मारूंगा कि मार मार के सालों टांग टकली कर दूंगा और सॉरी गंदी कर दूंगा। ना जितनी सर्दी पड़ रही है ना, वो चेक करो, सूरज हरी 4 दिन बाद निकले ने ते वो भी थोड़े जे वो भी दरख्त दे पीछे ने, चेक करो। तो गाइस सर्दी बहुत ज्यादा है। चोर चोर, हेलो, मुझे चोर कह रही है तेरी? मैं फेमस फेमस यूट्यूबर हूँ मैं? नहीं। फेमस यूट्यूबर। तो गाइस बात पता क्या है, 3 दिन हो गए सूरज नहीं निकल रहा, अभी थोड़ा थोड़ा निकला है, फिर शाम हो गई है, ठीक है। मैं इसलिए कहता हूँ कि यार आपने ये चादर और ये टोपी लाजमी लेके रखनी है, अपनी लेनी है, ठीक है, किसी और की नहीं लेनी, समझ रहे हो? ये तो आप तो ये नाना की ये पता नहीं कर, मैं हर कोई पहनता उसकी, इसमें कोई चीज उसकी नहीं है, ठीक है, शूज मैंने पहने हैं। निकल जा, जैसे निकल जा। तो गाइस बात बता क्या है, बात ये है कि ठंड बहुत ज्यादा भाई, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है ना। तो सीवी अपनी देख लो, आपका लव इधर ही है, टेंशन नहीं लेनी, आप परेशान हो जाते हैं कि सीवी किधर है, सीवी किधर है, वो इधर ही है, वो परेशान है सीवी, क्योंकि ठंड की वजह से मैं खुद भी नहीं नहा रहा और इसको भी नहीं नहला रहा, ठीक, बात तो सही है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ताला जब धूप निकलेगी सबसे पहले हमने सीवी को नहलाना है, उसके बाद आगे भाई ने नहाना है, ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। ओह माय गॉड, वाओ। अभी निकालते हैं, ऑफिस जाते हैं, मुझे पता चला है कि आपके भाई के ऑफिस के अंदर टाइलें वगैरह लग गई हैं और बाकी सामान वगैरह रहता है, वो चेक करते हैं जाके, पेंट वाले भी लगे हुए हैं, शायद आए हैं कि नहीं आए, वो भी जाके चेक करते हैं। तो अभी सीवी को बाहर निकालते हैं सबसे पहले। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। टीवी को इतना सब्सक्राइब करें, इतना आपका भाई गरम करके इसको बाहर निकालता है, फिर रस्ते में बात करता है आपसे, ओके? हाँ जी। तो भाई आपके भाई के साथ शपैगम हो गया, शपैगम ये हुआ है कि यार गाड़ी के अंदर आपका भाई बैठ गया और चाबी उस्ताद जी है ही नहीं, आ चेक करो, चाबी हूं मंगवाई है। इतना कि मैं पागल हूँ ना सीवी चलाने के पीछे यार, मुझे कोई और गाड़ी पसंद नहीं आती यार सीवी के अलावा, मैं आपको पहले बात बता दूं, मेरी सीवी उस्ताद जी लव है मेरा, चाहे जो मर्जी है। 1 2 3 गो। ये गया गाइस, मुझे लोग कमेंट में पूछते हैं कि अगर आप सीवी बेचेंगे कितने की बेचेंगे, गाइस मुझे आप 1 करोड़ रुपया भी दे देना इस सीवी का तो मैं सोच लूंगा। कितना गंदा आदमी हूं मैं यार। नहीं ये आपने जेन में सोची होगी ना बात, लेकिन ऐसी ही बात नहीं है उस्ताद जी, अगर आप मुझे 1 करोड़ रुपया भी देंगे ये सीवी मैं किसी को नहीं देने वाला, क्योंकि दिस इज माई लव और लव किसी को नहीं दिया जाता। ये चेक करो, खच प्रोग्राम। पीछे गाड़ी में से धुएं निकल रहे हैं। तो गाइस ये कंटेंट उस्ताद देती रहती है, रेहान साहब तो सो रहे हैं, ठीक है, अभी चलते हैं ऑफिस अपने, ठीक है। तो अभी गर्म होने दे थोड़ी सी गाड़ी, फिर निकालते हैं और फिर निकलते हैं अपने काम को, ओके ओके। इतना आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, व्यू दे दो, बस थोड़ा सा एक दो व्यू दे दो बस, पिछले व्लॉग जाकर देख रहे हो, लाइक कसम मेहनत रंग लेके आती है कि नहीं आती है आपको पता चल जाएगा। जब से हमने डेली व्लॉगिंग करना स्टार्ट की है तब से आपके भाई के व्यूज आने लग गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, वाज वाह, सुभान अल्लाह, मतलब कि यार 200-300-400-500 व्यूज, बहुत अच्छा व्यूज है, पहले 10-15 आते थे, अब 300-400 लोग देखते हैं। चाचा जी आ गए ना, चाचा जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। नो जी, क्या हाल चाल है? किधर ठंड च फिर रहे हो बाहर? अच्छा जी, मैं मुंह ही नहीं लाया। ये हमारे बुजुर्ग हैं जो हमारे हमसाए हैं, माशाल्लाह हमारे घर आते रहते हैं, दुआएं करते रहते हैं हमारे लिए, तो आप भी दुआएं करें, आप सब्सक्राइब करें सबसे पहले, लगी ना समझ। अभी निकालते हैं गाड़ी को। हाँ जी, तो गाइस गाड़ी बाहर निकाल ली है, ठीक है, चादर वगैरह मैंने यार रख दी थी अभी कि यार वहाँ जाके पहनेंगे, अभी गाड़ी के अंदर तो आपको पता है सीवी हमें पूरा माहौल देती है, हीटर वगैरह देती है,
इसलिए। तो ये क्या होगा सीवी को, कुछ भी नहीं होगा। तो गाइस बात बता गया, बात ये है कि आप लोग मेरे से पूछते हैं कि यार आप हर थंबनेल के ऊपर तो सुनील मन साहब की तस्वीर क्यों लगाते हैं। तो यार मैं इसलिए लगाता हूँ कि यार मैं उनका फ़ैन हूँ यार, इसलिए मैं लगाता हूँ, इसमें और कोई वो बात नहीं है। और मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी कहा हुआ है कि इंशाल्लाह ताला आपके भाई ने उनके रिव्यू देना है अपनी सीवी का। यार जितना मैं लव अपनी सीवी से करता हूँ ना, यह चेक करो, जितना मैं लव अपनी सीवी से करता हूँ ना, तो मैंने उनको यार इंटरव्यू देना है लाजमी। ज़िंदगी में चलो बंदा कुछ क्या पता चलता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैंने उनको रिव्यू देना, क्योंकि मैं वो भी, उनको भी गाड़ियों का शौक है, आपके भाई को भी थोड़ा बहुत गाड़ियों का शौक है, इस वजह से मैं उनकी थंबनेल पे तस्वीर लगाता हूँ। और कोई मसला नहीं है मुझे, ठीक है। इससे ये होगा कि यार आप कल को मुझे मेरा व्लॉग वो कर दोगे, वायरल कर दोगे, चलो उन तक पहुँच जाएगी और शायद हम उनके पास जाएँ और अपनी गाड़ी का रिव्यू दें। तो इंशाल्लाह ताला इसलिए मैं लगाता हूँ उनकी तस्वीर अपने थंबनेल के ऊपर, और कोई बात नहीं है। तो गाइज ये चेक करें, जा रहे हैं सीवी के ऊपर, यशी मॉल करते हुए, यशी को चिल करते हुए, ठीक है ना। आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ गोल सेट कर लें अपने भी, ठीक ठीक है। जब आप अपने गोल सेट करेंगे ना, तब आपको मुश्किल नहीं होगी ज़िंदगी गुजारने में, तब आपको पता होगा कि यार स्टेप बाय स्टेप बात चलेगी, ठीक है ना। तो आपके भाई ने भी कुछ ना कुछ गोल रखे हुए अपनी ज़िंदगी के, माशाल्लाह वाजवा गोल। अब ये रखा हुआ कि अब मैंने फैक्ट्री पहुँचना है, छोटे छोटे गोल रखे, बड़े बड़े गोल ना रखे, ठीक है ना। ये ना कि फुटबॉल ग्राउंड से बाहर हो जाए, गोल भी करना है, पारना नहीं है फुटबॉल। तो बात ऐसे है, तो अब जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में गामजन है, ठीक है। आपका प्यार हमारे साथ है, दुआएं हमारी आपके साथ हैं। तो यशी मॉल करते हैं, करते पहुंच जाना है हमने आपकी दुआओं से यार। और क्या करना है, ज़्यादा नहीं बोल रहा आज, मैं बोल रहा हूँ बर्दाश्त करो, किया सब्सक्राइब तो बर्दाश्त करो भाई। और गाइज आपको कल की तस्वीरें जो है, वीडियोस जो है, मेरी प्री कन्वोकेशन शूट था, आपको कैसा लगा यार। इंशाल्लाह संडे वाले दिन आपका भाई सर्टिफाइड जर्नलिस्ट हो जाएगा, आपके भाई को डिग्री मिलने वाली है, एंड यू हैव नो एनी हैप्पीनेस विद मी यार। व्हाई दिस ब्रेक माय हार्ट, यू नो अबाउट दैट। एनीवे गाइज अब हम जा रहे हैं रास्ते में, ठीक है। तो रास्ते में है, आपको पता ट्रैफिक तो मिलती मिलती है, तो ट्रैफिक नहीं होगी तो फिर हम अकेले चलेंगे ना, आप इस बात को समझा करें, और एम्बुलेंस को सबसे पहले रास्ता दिया करें स्लो करके। 1 2 3 ये गया, ठीक है ना गाइस। तो आपने एम्बुलेंस को रास्ता देना, पीछे वाले जो आ रहे होते हैं ना वो मुख्तखोर ही होते हैं, उनको नहीं देना रास्ता, ठीक है ना। अच्छा ये बात अपने जहन में बिठा लें और जेब के अंदर डाल लें, ओके। हाँ जी, तो गाइस दफ्तर वगैरह से फारिग होकर जब मैं आया हूँ ना, तो ये चेक कर ले, ये क्या खच प्रोग्राम आपके साथ है। तो गाइस अभी आके देखें सर्दी कितनी है, आप ये हिसाब लगा लें, अगर आपका भाई इस टाइम कहीं बर्फबारी वाले इलाके में चला जाए तो वहाँ जाके आपका भाई क्या करे, आपने मुझे कमेंट में बताना कि वहाँ जाके आपका भाई क्या करे। आपके भाई ने तो उस्ताद जी रजाइयाँ ले लेके मत मार देनी। तो गाइस खाच प्रोग्राम मेरे साथ है, और आज रात का जो नाश्ता है, नाश्ता नहीं दिया, मेरी तरफ से नाश्ता ही है, तीन रोटियां भी लेके आई थी। तो गाइस अभी बड़ी सर्दी लग रही है, अभी हम रेस्ट करा लेते हैं। क्या पका है, आलू वड़े? चल झूठा, गरम गरम अंडे, गरम गरम अंडे, गरम गरम अंडे। सीवी इधर ही आपके पास है, ठीक है गाइस। अभी रस वगैरह लेते हैं बाहर जाके, ठीक है। गलत आ गए हैं, आगे से मुड़ते हैं। सीवी सीवी करते हो तो भाई, लोगों को सीवी पसंद आ रही है, लोग उसको रिव्यूज दे रहे हैं, मैं क्या करूं। हाँ जी, तो गाइस ये चेक कर लें जरा, खाच प्रोग्राम टॉफियां टूफियां, ठीक है। उन्होंने चीज़ें वगैरह ले ली हैं, अपनी रस वगैरह ले ली हैं नाश्ते के लिए, ठीक है। तो अब ये खाच प्रोग्राम खाई जा रही है, ठीक है। और आपका भाई गाड़ी चला रहा ड्राइवरों की तरह यार, ये तो बात नहीं होती ना यार। तो अब ये चेक कर लें गाइस कि हमारे जो टाउन के अंदर है ना, हर शाम के 3 बजे के बाद ना, हर घंटे बाद लाइट जा रही है, हर घंटे बाद आपकी तरफ जा रही है। तो आपने मुझे बताना है कमेंट करके, और फिर आपके भाई ने वापडा वालों को सीधा कर देना जाके, ठीक है ना। तो आपने मुझे लाजमी बताना कि किस तरफ ऐसे हो रहा है। तो यह चेक कर लो, ताड़े वालों सर्दी बहुत लग रही है, हीटर भी चलाया हुआ है लेकिन फिर भी सर्दी लग रही है। इसका मतलब ये है कि आपके भाई को बहुत जल्दी बुखार होने वाला है, लेकिन आपकी दवाओं से नहीं होगा, मैंने दवाई ले ली है।
गाइस अभी चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, रोटियां वगैरह लेते हैं घर जाके, ठीक है। दुआ करें जल्दी लाइट आ जाए और फिर हम खाएं वगैरह और फिर हम लेटें वगैरह, ठीक है। रजाई के अंदर आप भी रजाई के अंदर लेटे हैं, गरम गरम चीजें खाएं, गरम गरम चीजें बोले ना और किसी पे गरम ना। लाइट तो आ नहीं रही, हीटर कैसे चलेगा? तो गाइस कल के व्लॉग में जब आप देखेंगे एंड में फिजा नाम बताने वाली थी, जो हमारे घर आए थे, उन्होंने कहा था हमारा नाम ले लेना व्लॉग के अंदर। तो क्या नाम था उनका? एक का नाम ईशी था, एक का नाम अहमद था, एक का नाम यशवा था। बच्चे थे? हाँ। तो गाइस इनका नाम ले लिया। वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। तो इंशाल्लाह ताला हम और भी ऐसे ड्रामेबाजी किया करेंगे आपके साथ, ऐसे ही प्यार मोहब्बत चलता रहेगा हमारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। भी देखे गए हैं। चल छोड़ वो, हम दिखाएंगे बाद में अगले व्लॉग। तो गाइस हम चलते हैं, रोटियां शोरा लेते हैं, फिर खाते हैं पीते हैं। तब तक के लिए इजाजत दें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।